नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बीते गुरुवार रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया और कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद शराब घोटाले में उन्हें 7 दिन की ईडी की रिमांड सौंपी गई है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई वो अरविंद केजरीवाल की ही थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि इस शराब घोटाले की एबीसीडी क्या है, जिसकी वजह से कई बड़े नेता फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस घोटाले की शुरुआत नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने से की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें 475 सरकारी थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33.35 रुपए रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363 रुपए हो गया। वह इसी तरह पहले एक बोतल 530 रुपए की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपए की हो गई। इसमें एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, लेकिन दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। पहले 530 रुपए की बोतल पर दिल्ली सरकार 223 रुपए की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत महज 1% कर दी। लिहाजा शराब कारोबारियों को 530 रुपए की बोतल पर महज 1.88 रुपए की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपए लिए गए। ये सब देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगा था। आरोप था कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ के नुकसान पर अनुमान लगाया। वहीं इस रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार कथित तौर पर 2873 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं इसके बाद क्या था, घोटाले के मुख्य किरदार में यहां पर ईडी ने बड़े बड़े गिरफ्तारियां शुरू की, जिसके बाद केजरीवाल को भी धर लिया गया। अब मनीष सिसोदिया कैसे फंसे? पिछले साल 26 जनवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगा था। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता था। आरोप था कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कंपनियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। इसके बाद दूसरी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई, जिसमें संजय सिंह की गिरफ्तारी थी, जो कि सांसद थे आम आदमी पार्टी। ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही अहम। दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनके घर पर उनकी मुलाकात कराई। इस मीटिंग में संजय सिंह भी थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने रेस्टोरेंट में हुई, एक पार्टी में हुई। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी का दावा है कि इससे बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को एक मामला सुलझाया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई केजरीवाल से पहले, वो हुई के कविता की। ईडी ने 15 मार्च 2024 को के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। ईडी का दावा था कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी। साउथ ग्रुप की दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में बड़ी और अहम भूमिका रही। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित रूप से कम 100 करोड़ रुपए रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी। ईडी ने पहले अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली में शराब कारोबार में एंट्री मिली और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया गया। वहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई? ईडी की चार्जशीट में कई बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब यह एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। बूची बाबू, गोरंतला, दिनेश अरोड़ा की गवाही ही केजरीवाल के खिलाफ गई। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासालू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बैठकें हुई। केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया। पूछताछ में पूछी बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर
केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू से भी बात करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। बस फिर क्या था, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कई दस्तावेज इकट्ठा किए। अब ये देखना होगा कि इस मामले को क्या ईडी कोर्ट में प्रूफ कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।